मैं शीतल बाकरे स्टॉक ब्रोकर एंड न्यूलर। आज आप देख रहे हो सेवन वंडर ताजमहल पे मैं खड़ी हूँ, और यहाँ पे मैं खड़ी नहीं हूँ, मैं लास्ट 3 दिन से यहाँ पे स्टडी कर रही हूँ रिलेटेड टू वास्तु। हम लोग इसे बोलते हैं कि प्यार का बंधन यहाँ पे बना हुआ था फॉर मुमताज जी के बिहाफ यहाँ पे ताजमहल बना था। बट आपको पता है ताजमहल बनने में 22 साल लगे थे, और 22 साल जब किसी चीज़ को लगते तो डेफिनेटली वो अमेजिंग ही बनती है। और यहाँ की जो वास्तु है काफ़ी पुरानी, आप देख सकते हो, आपने देखा होगा अमृतसर का मंदिर, आपने देखा होगा बालाजी का मंदिर, आपने देखा होगा ताजमहल, ऐसी काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी है जो हिस्टोरिकल प्लेसेस हम लोग बोलते हैं। और हिस्टोरिकल प्लेसेस जब बनती है तो आपको पता है यहाँ पे नॉर्थ गेट है, यहाँ पे साउथ गेट है, और यहाँ पे ईस्ट गेट है। यहाँ का साउथ गेट अभी फिलहाल बंद हुआ है। हम लोगों को सबको पता है कि नॉर्थ साइड ऑलवेज बेस्ट, मतलब हम लोग काफ़ी सालों से जानते हैं कि नॉर्थ साइड ऑलवेज बेस्ट। तो यहाँ पे आप देखोगे तो नॉर्थ साइड से ही ओपनिंग, मेन एंट्री जो है वो नॉर्थ साइड है, बैक साइड यहाँ पे वाटर है। यहाँ पे कुछ चीज़ें ऐसी मुझे समझ में आई है कि जब भी आप आते हो कोई ना कोई बनता है ना। आप देखो सालों साल ये बिल्डिंग वैसे की वैसी दिखेगी आपको, ये जो बंद होती है पहले, अभी आप देखोगे तो इतना डिफिकल्ट हो जाता है ये सारी चीज़ें बनाना। बट यहाँ पे कॉर्नर पे जिंक, बीच में गोल्ड, और रात अगर आप देखोगे तो साइड में सिल्वर, ये सारी चीज़ें यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं उसको कि डाली गई है, उसके बाद में ये सारी चीज़ें यहाँ पे बनाई गई है। तो ये एक वास्तु होती है, जब आप वास्तु बनाते हो तो हर कोने कोने की एक मेटल की ग्रेविटी होती है, वो ग्रेविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है, वो ग्रेविटी यहाँ पे बनी हुई है। ये मैंने पूरा 3 दिन का स्टडी के बाद मैंने आप लोगों के सामने, जब भी आप वास्तु बनाते हो तो डेफिनेटली इन मेटल्स की ग्रेविटी को इंक्लूड कीजिए आपके वास्तु में, तो आपकी वास्तु भी इतनी प्यारी बनी बनेगी। टिल देन गाइस, बाय बाय। मैडम प्रोसेस।